सेबी ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ टिप्पणी वाली विवादित प्रेस विज्ञप्ति वापस ले ली है। कर्मचारियों ने विरोध करते हुए बयान वापस लेने और अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीपीसीएल को 28 टर्मिनलों पर वाष्प रिकवरी सिस्टम न लगाने पर नोटिस जारी किया है। बीपीसीएल को संतोषजनक जवाब देने के लिए 19 सितंबर तक का समय दिया गया है। सोमवार को निफ्टी 25,384 और सेंसेक्स 82,989 पर बंद हुए, जिससे बाजार में तेजी बनी रही। 26 शेयर हरे और 24 लाल निशान पर बंद हुए। अदानी समूह ने फर्जी प्रेस विज्ञप्तियों के प्रसार पर चिंता जताते हुए सभी को सावधान रहने का आग्रह किया है। समूह ने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 20% बढ़ा दिया है, जिससे त्योहारों से पहले कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। सोमवार को विदेशी फंड प्रवाह और अमेरिकी बाजारों में तेजी के बीच निफ्टी नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स 180.92 अंक चढ़ा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।